हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सोशल मीडिया पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के विवादित पोस्ट को लेकर अब कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जफरुल इस्लाम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले आपको वो पोस्ट दिखाते हैं क्या था जिस पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। फेसबुक पर जफरुल इस्लाम ने एक पोस्ट लिखा था, उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा था वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान का फेसबुक और ट्विटर पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। झूठे संदेश से हिंदुस्तान को बदनाम करने का एक झूठा चक्र बन। झूठ का सहारा लेकर जफरुल इस्लाम खान के पोस्ट पर जो लिखा गया वो उनके पद के दायित्व पर सवाल खड़े करता है। किस तरह जफरुल इस्लाम के ट्विटर हैंडल पर फेसबुक पेज से देश को बदनाम करने की कोशिश की गई, पहले जरा वो देख लीजिए। भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत। हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे। वो भूल गए भारतीय मुस्लिमों का अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा। पोस्ट पर 28 अप्रैल की तारीख लिखी है। एक नागरिक के तौर पर भी ये उम्मीद की जाती है कि दुनिया में आप देश की बेहतर छवि बनाएं, देश में झूठ और अफवाह को रोकने में मदद करें। लेकिन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर बैठे जफरुल इस्लाम पोस्ट पर ठीक उसके उलट काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुवैत को धन्यवाद देने और दुनिया में देश की गलत छवि पेश करने के लिए जफरुल इस्लाम ने जिस पोस्ट को आधार के तौर पर चुना वो झूठे और फर्जी हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो वायरल पोस्ट दिख रही हैं वो झूठी हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कुवैत के हवाले से भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार के झूठे दावे को लेकर ऐसे ही भ्रामक पोस्ट लिखे जा रहे हैं। भारत की धार्मिक बदनामी की एक मुहिम चलाई जा रही है। dr.alshorekaa नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि कुवैत के मंत्रिपरिषद ने भारत में मुस्लिमों पर धार्मिक हमले की निंदा की है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कुवैत सरकार ने भारत को लेकर ना तो ऐसा कोई ट्वीट किया और ना ही कोई बयान दिया। 27 अप्रैल को ही विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा, भारत के लिए फैलाए जा रहे भ्रामक पोस्ट से कुवैत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुवैत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भारत के साथ प्रगाढ़ दोस्ती चाहती है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल पर कुवैत किसी के साथ नहीं है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी आम थी कि कुवैत के शाही परिवार और सरकार के नाम पर झूठे पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जफरुल इस्लाम खान ने ना तो उन पर ध्यान दिया और ना ही 27 अप्रैल को बताई गई विदेश मंत्रालय की बात पर। देश को बदनाम करने के लिए ये झूठी मुहिम संयोग है या प्रयोग, ये आयोजित है या प्रायोजित? देखिए, जफरुल इस्लाम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद जफरुल इस्लाम को संवैधानिक पद पर बने रहना चाहिए? बहुत अहम सवाल है ये कि क्या संवैधानिक पद पर अब मुकदमा दर्ज होने के बाद जफरुल इस्लाम को बने रहना चाहिए? जफरुल इस्लाम पर कार्रवाई करने में आखिर देरी क्यों हुई? दिल्ली सरकार जफरुल इस्लाम पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये बड़ा सवाल है। क्या वजह है कि आखिर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या वोट बैंक के खातिर कार्रवाई से दिल्ली सरकार बच रही है? ये बड़े अहम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और अभिषेक रावत जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अभिषेक, ये एक तो मामला दर्ज करने में पहले देरी हो जाती है, उसके बाद जो सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है वो बहुत अहम हो जाते हैं। कार्रवाई करने में देरी क्यों हुई? दिल्ली सरकार क्यों अभी तक बचाने की कोशिश कर रही है या कुछ भी नहीं कह रही है? जी आदर्श, आप ये बात सही कह रहे हैं कि मामला दर्ज करने में कहीं ना कहीं थोड़ी देरी बरती गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी तक इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं करा है कि वो इसमें आगे क्या चल के एक्शन लेने वाले हैं या एक्शन लेंगे भी या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर मामला देखें तो वो राजनीति से जोड़कर शायद इसमें बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि मामला अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन से जुड़ा हुआ है। और वहीं अगर हम इस मामले के शिकायतकर्ता की बात करें, डॉक्टर कौशल मिश्रा इस मामले के शिकायतकर्ता है जिनसे अभी हमारी बात भी हुई है, तो उनका सीधे तौर पर दिल्ली सरकार से यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति इतने संवैधानिक पद पर, इतने जिम्मेदार पद पर बैठा है,
वो आखिर किस तरीके से ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। अभिषेक मुझे एक अहम बात और बताइए, सवाल ये है कि जफरुल इस्लाम अब इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। पहले जो सफाई दी थी उसमें उन्होंने यही कहा कि मेरे बयान को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कुछ गलत नहीं कहा था। जी मैं यही बताना चाहूंगा कि हमने डॉक्टर जफरुल इस्लाम से फोन पर भी संपर्क किया था, बाकायदा हम उनके घर पर भी पहुंचे थे, अबुल फजल एंक्लेव में वो रहते हैं, तो उन्होंने ना तो हमसे मिलना मुनासिब समझा और फोन पर भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से इस संदर्भ में कोई भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मीडिया जो है मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जबकि वो उन्होंने खुद अपनी जो पोस्ट खुद लिखी हुई है उसको वो कहीं पे भी जो है ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि उन्होंने खुद ऐसी बातें लिखी हैं, पोस्ट की है जिसपे कहीं ना कहीं जो है विवाद खड़ा हुआ है। और यही कारण भी रहा कि एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत दी और उस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया है। जी आदर्श जी, अभिषेक बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभिषेक जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, देखिए एबीपी न्यूज ने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि मीडिया तोड़ मरोड़ कर मामले को पेश कर रहा है, अगर ऐसा करना होता तो एबीपी न्यूज उन तक पहुंचने की, उनका वर्जन लेने की कोशिश नहीं करता और इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि उनका पक्ष भी सामने आए।